हिंद से प्यार करने वाले हम सब हिंदू हैं। अखंड भारत की, अखंड भारत की। तो फाइनली दोस्तों, अखंड भारत का सपना देखने वाले स्वतंत्रता क्रांतिकारी वीर सावरकर जी पर बनाई गई फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर आज रिलीज हो चुकी है। और इस फिल्म को देखने के बाद अगर इसका रिव्यू वन लाइन में करें तो इट्स अ फिल्म फॉर वी ऑल। जल्दी से जाओ और इस फिल्म को देखो, क्योंकि ऐसी फिल्में बॉलीवुड बहुत ही कम बनाता है और वीर सावरकर जी पर बनाई गई ये फिल्म तो शायद ही कोई और बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, रणदीप हुड्डा की मच अवेटेड स्वतंत्र वीर सावरकर एक बायोपिक ड्रामा फिल्म है, जिसमें आपको वीर सावरकर जी की जीवनी देखने को मिलने वाली है। फिल्म की कहानी लगभग 3 घंटे की है, लेकिन ये 3 घंटे की फिल्म आपको सोचने पर मजबूर कर देगी और कुछ सीन तो ऐसे हैं जो आपको रोने पर भी मजबूर कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, फिल्म की कहानी 80s के इंडिया से शुरू होती है, जहाँ महाराष्ट्र के एक छोटे गाँव में जन्म लेते हैं विनायक दामोदर सावरकर, यानी कि वीर सावरकर, जिन्हें बचपन से ही अंग्रेजों का अत्याचार झेलना पड़ता है। बस वहीं से उनकी क्रांतिकारी और अखंड भारत की सोच शुरू हो जाती है, जिन्हें लगता है कि अंग्रेजों को अहिंसा से नहीं हराया जा सकता, उन्हें सिर्फ हथियारों से ही हराया जा सकता है। इसके बाद वो क्या करते हैं, ये देखने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। फिल्म में आपको रणदीप हुड्डा की ऑस्कर लेवल एक्टिंग देखने को मिलने वाली है। उनके लुक्स, एक्टिंग, ट्रांसफॉर्मेशन आउटस्टैंडिंग है। काला पानी वाले सीन में उनकी एक्टिंग देखकर आपको रोना आ जाएगा। फिल्म से रणदीप हुड्डा ने वीर सावरकर जी को जीवंत कर दिया है। फिल्म में उनका साथ दिया है अंकिता लोखंडे ने और उनका काम भी दोस्तों फिल्म में काफी सराहनीय है। उनके भाई का रोल प्ले करने वाले एक्टर की परफॉर्मेंस भी तगड़ी है। बाकी स्टार कास्ट ने अपना काम बखूबी निभाया है। डायरेक्शन की बात करें तो दोस्तों डायरेक्शन भी रणदीप हुड्डा ने ही किया है और इनका यह डायरेक्शन डेब्यू लाजवाब है, जिसमें 90s के क्रांतिकारी वाले सीन्स, इमोशनल सीन्स और ड्रामा सीन्स बेहद ही खूबसूरती से बताए गए हैं। सिनेमेटोग्राफी आउटस्टैंडिंग है, तो वहीं कई सीन्स में बैकग्राउंड म्यूजिक आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ओवरऑल कहूं तो ये एक ऐसी फिल्म है जिसे देखकर हर देशभक्त खुश होगा कि सावरकर जी जैसे वीर सपूत भारत में जन्मे। वहीं दोस्तों हैटर्स भी उनके इन बलिदानों को देखकर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इस फिल्म को हमारी तरफ से 5 out of 5 stars। लेकिन अगर बात करें बॉक्स ऑफिस की तो दोस्तों इस फिल्म को कम ही स्क्रीन पर रिलीज किया गया है, लेकिन जिस तरह से लास्ट ईयर आई द कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी ने कम स्क्रीन पर होने के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया था और ऑडियंस का दिल जीता था, उसी तरह से दोस्तों ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर अपना जादू बिखेरने वाली है। फिल्म को आज अपने पहले ही दिन दूसरी रिलीज होने वाली फिल्मों से बेटर ओपनिंग मिल रही है और लगभग 4 करोड़ रुपए ये फिल्म आज अपने पहले ही दिन कमा रही है। और जिस तरह से इस फिल्म को ऑडियंस का प्यार मिल रहा है, ये फिल्म दोस्तों लॉन्ग रन में कई सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ने वाली है। मैं तो आप सभी को सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जल्दी से जाकर इस फिल्म को देखो, क्योंकि दोस्तों ये फिल्म सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म है, जो कि ऑस्कर में भी जा सकती है। और जो लोग इस फिल्म को देख आए हैं वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इस फिल्म में कौन कौन सा सीन सबसे ज्यादा इंप्रेसिव लगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।